नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए आम का पेड़ विशेष महत्व रखता है। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य में इनका इस्तेमाल जरूर किया जाता है। हिंदू धर्म में इसकी पूजा कई सालों से होती आ रही है। शास्त्रों के अनुसार आम के पेड़ को बहुत ही शुभ माना गया है। आम के पेड़ से मीठा फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही इसकी लकड़ियाँ और पत्तियाँ भी बहुत कम आती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पेड़ की पत्तियाँ लटकाते हैं और वहीं मांगलिक कार्य में कलश की स्थापना करने से पहले आम की पत्तियाँ रखी जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आम के हर शुभ कार्य में आम के पत्ते क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके फायदे। तो आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि आम की पत्तियों से होकर घर में प्रवेश करने पर सकारात्मक ऊर्जा साथ आती है। इससे घर में खुशियों भरा माहौल बना रहता है और लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से मांगलिक कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है। कहा जाता है कि इससे घर के सदस्यों को शुभ समाचार सुनने को मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें कि आम को हनुमान जी का प्रिय फल बताया गया है। कहते हैं कि आम का पेड़ लगाने से बजरंग बली बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही शुभ कार्यों में आम के फल या पत्तियों का इस्तेमाल करने से भी हनुमान जी की कृपा मिलती है। हवन जैसे धार्मिक कार्यों में भी आम की लकड़ी का प्रयोग करने से वातावरण शुद्ध होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जहाँ भी आम और आम का पत्ता होता है वहाँ हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में वृक्षों का काफी सम्मान किया जाता है, उन्हें पूजा जाता है और उन्हें अन्न देवता माना जाता है। आम के पत्तों को खास तौर पर पूजा में शामिल किया जाता है। तमाम मंगल कार्यों में आम के वृक्ष की पत्तियाँ लगाई जाती है। बताते चलें कि आम के पत्ते ही नहीं इसके फल के बहुत फायदे हैं। ज्योतिष के अनुसार फलों के राजा आम केवल खाने के काम नहीं आता, बल्कि ये फल ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। आम का संबंध सूर्य ग्रह से होता है और ये राहु और केतु के बुरे प्रभाव को भी दूर करता है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी पेड़ और पौधों के माध्यम से बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के बारे में बताया गया है। यहाँ तक पेड़ की पूजा करने से पितृ दोष जैसे बड़े बड़े दोष भी दूर हो जाते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।